सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा इको आप तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। बात करेंगे एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर विश्वनाथ करड़ एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में, अगर उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको इस वीडियो के एंड तक एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में पता लग जाए। और आप ऐसे ही कोई भी बड़े प्राइवेट कॉलेज, सीएससी से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड कोई भी कॉलेज रिव्यू वीडियो मिस ना करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि जो एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी है वो कब स्टैब्लिश हुई, इसकी लोकेशन है कहाँ पे, रैंकिंग्स इसके पास कौन कौन सी है, कैसे आप पहुंच सकते हैं, उसके बाद कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ पे, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या नहीं, प्लेसमेंट का क्या सीन है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, उसके बाद एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी से पढ़ना कैसा रहेगा, हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फटाफट बता देता हूँ कि जो एमआईटी डब्ल्यूपी यूनिवर्सिटी है, 1983 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। खोरट पूना, पूना में यूनिवर्सिटी है, पूना महाराष्ट्र में। तो काफी अच्छी लोकेशन पे यूनिवर्सिटी। एनआरएफ की अगर रैंकिंग की बात करें तो 138 रैंकिंग ओवरऑल है, 116 इसकी, 116 इसकी रैंकिंग है। फॉर सीएससी अगर हम बात करें, यूजीसी अप्रूव्ड है, बीसीआई अप्रूव्ड है, पीसीआई अप्रूव्ड है। एनआरएफ की जो रिपोर्ट्स है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। 100 एकड़ में इसका कैंपस है, ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड अदर कोर्सेज। 150 से ज्यादा कोर्सेज है जो ये ऑफर करता है, 1000 से भी ज्यादा एलुमनाई का इनका है क्रॉस द ग्लोब, 1000 से भी ज्यादा एलुमनाई का नेटवर्क है। 45 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज है, 7.25 लाख का एवरेज पैकेज ये क्लेम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, 100 एकड़ का कैंपस है। तो फीस है जो वो थोड़ी सी अफोर्डेबल है, वो देखते कि कितनी अफोर्डेबल है वो आपको बताऊंगा। अभी थोड़ी सी महंगी है फीस, यहाँ पे मैंने कहा है अफोर्डेबल, लेकिन पूना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप अफोर्डेबल कह सकते हैं। लेकिन फीस अगर हम रियलिटी में बात करें एज कम्पेयर टू डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस, तो फीस थोड़ी सी महंगी यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपको ऑलरेडी बताया कि पूना में कॉलेज है ना, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, कोई भी अगर आपको डाउट होगा एडमिशन से रिलेटेड तो नीचे नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं एडमिशन लेने से पहले। हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 45 लाख का है, एवरेज पैकेज 7 लाख का है, स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। उसके बाद आपकी जो यहाँ पे एडमिशन होगी वो मेरिट बेस्ड या एंट्रेंस बेस्ड होगी, मतलब डायरेक्ट एडमिशन आपकी पॉसिबल नहीं है। कोई आपको एक जैसे कि जेई मेन्स एग्जाम या एमएचसीईटी एग्जाम, कोई एक एग्जाम आपका देना चाहिए, जिसके बारे में आगे बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो में बात करने वाले। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें अभी हम सारे पॉइंट्स और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैंने एस्टैब्लिशमेंट आपको बता दिया, 1983 का एस्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन कहाँ, पूना महाराष्ट्र में है यूनिवर्सिटी, पूना से अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो आप अगर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो पूना के एयरपोर्ट के लिए अपनी टिकट बुक कर लीजिए, या अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो पूना रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट बुक कर लीजिए, फिर वहां से आप बस लेके बहुत ईजिली या कैब लेके यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो रैंकिंग्स वगैरह आपको बता दी, एनआरएफ की है ना 138 रैंकिंग है इसके पास, अगर सीएससी की बात करें तो 116 रैंकिंग है। उसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं वो आपको दिखा देता हूं, वो आपको मैं वेबसाइट के थ्रू ही दिखा देता हूं। प्रोग्राम्स के ऊपर जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीएचडी, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि 150 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जो 6 साल का कोर्स रहेगा आपका इंटीग्रेटेड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो काफी ज्यादा कोर्सेज यहाँ पे है अवेलेबल। अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर साइंस का, जो नॉर्मल कोर्स रहता है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 साल का जो कोर्स है उसके बारे में अगर हम बात कर ले, तो ये देख सकते हैं कि 4 साल का कोर्स रहने वाला है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसका नाम रहेगा। मेजर ट्रैक्स जो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे वो रहेगा डेटा साइंस के बारे में, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, मल्टी मीडिया एंड कंप्यूटर से। अगर 1 साल की फीस की बात करें तो फीस आपकी रहने वाली है 3,50,000 पर ईयर की फीस रहने वाली है। तो अगर 1 सेमेस्टर की फीस की बात कर ले तो वो रहेगी 1,75,000 रुपीज। तो काफी ज्यादा महंगी फीस है अगर अगर हम कंपेयर करें दूसरे बड़े प्राइवेट कॉलेजेस के साथ, तो इसकी 1 सेमेस्टर की फीस ही 1,75,000 रुपीज है। 1 साल में आपके लग जाएंगे 3,50,000 रुपीज आपकी फीस रहेगी। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा फीस महंगी है, लेकिन आपको यहाँ पे ना 3 प्रकार की स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती है। अगर आपके जैसे कि ये जेई मेन्स में जेई स्कोर, अगर आपके जेई मेन्स में जो स्कोर है वो 97 से अबव है तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर जेई मेन्स में आपके 97 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स है तो आपको
100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके MHCET स्कोर में 98 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है डॉक्टर विश्वनाथ करेट स्कॉलरशिप के अंडर। अगर आपके 96 या उससे अबव मार्क्स है ना तो आपको MITWP स्कॉलरशिप के फेज वन में अगर आप एग्जाम देते हैं, तो अगर आपके JEE मेंस में है 96 से अबव है या आपके MHCET स्कोर में 97 से अबव है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप MITWP स्कॉलरशिप एग्जाम टू सेकंड फेज में देते हैं तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा भी है फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जैसे कि केमिस्ट्री या कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। तो उसके बाद आपके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे जो रहेगा मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपको कोई एग्जाम जैसे कि JEE या इनका जो अपना खुद का एग्जाम होता है MHTCET या PEER, इन तीनों में से कोई एक एग्जाम देना कंपलसरी है, उसमें आपके मार्क्स होना कंपलसरी है, उसके बिना आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप कैसे कम रहेगी, तो अगर जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर मिलने वाली है। अगर आपको स्कॉलरशिप अपने जब तक मेंटेन करनी है तो आपकी जो CGPA रहनी चाहिए वो 8.5 रहनी चाहिए पूरे कोर्स में, मतलब जब तक आपकी CGPA 8.5 रहेगी तब तक आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर हम बात करें डिप्लोमा के लिए तब भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो कोर्सेज हैं वहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम में जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में चले जाते हैं तो आपको जो भी कोर्स में एडमिशन लेनी है उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी फीस देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं MSc डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिसिस की, इसके ऊपर जाएंगे तो 2 साल का आपका कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, ये कोर्स का नाम रहेगा, तो 1 साल की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 2,25,000 रुपीज, 1 साल की फीस रहेगी। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आपको BSc में एडमिशन लेनी है। ठीक है, तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए पहले से BSc में तो अगर आपको MSc में एडमिशन लेनी है। तो उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो अगर आपने WMIT WP वाले में WPCET स्कोर में 93 से ज्यादा आपके मार्क्स है तो आपको मिल जाएगी 100% स्कॉलरशिप, अगर 91 एंड अबव है तो आपको मिल जाएगी MIT WP स्कॉलरशिप 1 के थ्रू 50% स्कॉलरशिप, और अगर फेज 2 में देते हैं तो आपको मिल जाएगी 25% की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्कॉलरशिप आपको तब तक मिलेगी जब तक आप 8.5 CGPA मेंटेन करेंगे। तो कोर्सेज आप यहाँ पे जाके सारे देख सकते हैं कौन कौन से ऑफर होने वाले हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया आपको कैसे देखना है, प्रोग्राम्स में जाके आपको अपना प्रोग्राम चूज करना है। जैसे हम यहाँ पे लॉ वाले प्रोग्राम में चले जाएंगे, है ना, जैसे मुझे लॉ करनी है, मुझे BA LLB करनी है 5 साल की, तो उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ से फी स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि आपका कितना फी स्ट्रक्चर है। तो BA LLB की 1 साल की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 2,45,000 रुपीज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और आपके जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में मतलब उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको साथ ही में दी हुई है कि अगर आपके 93 और अगर आपके MITWPCET स्कोर में 93 एंड अबव मार्क्स है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या आपके MHCET या CLAT या LSAT में 93 अबव मार्क्स है तो भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, फी स्ट्रक्चर भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है वो बताते हैं। एडमिशन के ऊपर जाएंगे, हाउ टू अप्लाई में चले जाएंगे तो आपको एडमिशन का प्रोसेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो 12 स्टेप्स में एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है अगर आप उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको एप्लीकेशन की जो यहाँ पे 1500 फीस है वो नहीं लगेगी, कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, उस पर कॉल करके आप अपनी सारी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है आपको कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उसके ऊपर क्लिक करके आपको चले जाना है, उसके ऊपर आपको सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, जैसे मतलब उस लॉगिन एंड आईडी के पासवर्ड थ्रू के थ्रू आप अपना जो पोर्टल है वो खोल पाएंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से फॉलो कर रहे हैं ना रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको ये वाली जो 1500 एप्लीकेशन फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फीस भर देंगे उसके बाद आपको जाएगी एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट आ जाएगा ना, जिसमें कि आपको कैसे कहां पे टेस्ट होने वाला, कौन सी डेट को होने वाला, आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा MIT WPCET एग्जाम के थ्रू। उसके बाद आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट और रिजल्ट की डेट्स वगैरह आपको सारी आपके डैशबोर्ड में मतलब जहां आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है वहीं पे सब कुछ आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की,
उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरिफिकेशन होंगे। अगर आप एलिजिबल हैं सब चीज़ों के लिए तो आपको फाइनल ऑफर लेटर आ जाएगा। फिर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपकी जो क्लासेस वगैरह अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारा आपका प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन के लिए। तो एडमिशन का क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर और डिटेल में स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना है तो स्कॉलरशिप वाले पेज में चले जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रकार की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की स्कॉलरशिप है। सबसे पहले है डॉक्टर विश्वनाथ करंट स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है सिर्फ टॉप 3% बच्चों को ही मिलेगी टोटल स्टूडेंट इनटेक से। मतलब जितने टोटल स्टूडेंट इनटेक है उसमें से जो टॉप 3% बच्चे होंगे उनको ही 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद अगर हम MIT WP मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें, इसमें अगर टोटल जो 8% बच्चे टोटल स्टूडेंट इनटेक के 8% बच्चों को ही 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें MIT WP मेरिट स्कॉलरशिप 2, जिसमें आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ये टोटल 12% बच्चों को मिलेगी टोटल स्टूडेंट इनटेक से। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनरेबल श्री TN स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे स्कॉलरशिप ये तो देख लिया कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, कैसे मिलेगी वो भी आपको डिटेल में दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखने वाले कि अगर डॉक्टर विश्वनाथ करंट स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप लेनी है, तो अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में, तो अगर आपके 97 एंड अबव मार्क्स है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या MHT CET परसेंटाइल में आपके 98 से ज्यादा परसेंटाइल मार्क्स है तो भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे आप पूरी स्कॉलरशिप वाली लिस्ट जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद जो अगली बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, तो दोबारा इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर आप प्लेसमेंट के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल दिया नहीं गया है। प्लेसमेंट की इनकी जो रेशियो 80% बच्चे इनके प्लेस हो रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज जो इनका रहेगा वो रहेगा 44.14 लाख का। उसके बाद जो एवरेज पैकेज इन्होंने क्लेम किया 7 लाख, लेकिन इन्होंने अपना प्लेसमेंट का कोई भी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है कि कौन से बच्चे कहाँ पे प्लेस हुए, कौन से इनके रिक्रूटर्स है, क्या है। लेकिन मैंने खुद से बहुत रिसर्च करी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। तो सॉफ्ट स्किल में यहाँ पे अगर जो आपको प्लेसमेंट प्रोग्राम है उसमें आपको ये सॉफ्ट स्किल में वाली सारी चीजें सिखा देते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस भी कराते हैं, IT स्किल्स की भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो आपको प्लेसमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इन्होंने इनकी प्लेसमेंट्स वगैरह कहां पे हो रही है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरेज पैकेज रहेगा 7 लाख का, हाईएस्ट पैकेज है 44 लाख का। लेकिन मैंने अपनी खुद की थोड़ी सी रिसर्च की है तो मुझे इनका थोड़ा सा पता लगा कि जो इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं, ठीक है, 2023 के इनके टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से, IBM, HCL, मैकेल इंडिया, एमडॉक्स, इन्फोसिस, ONG से हिटाची। तो इनके टॉप रिक्रूटर्स से MIT में जिन्होंने सबसे ज्यादा रिक्रूट किया, और साल जो हाईएस्ट पैकेज है 44.14 लाख का, वो अमेजोन में बच्चे प्लेस हुए, 3 बच्चे प्लेस हुए इस हाईएस्ट पैकेज पे 44.14 लाख के। अमेजोन ने ये हाईएस्ट पैकेज दिया है। उसके बाद आपको प्लेसमेंट के लिए जितनी भी कंपनी जैसे TCS डिजिटल, इंडिया मार्ट, याहू, विप्रो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, जितनी भी मास रिक्रूटर कंपनी है वो सारी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए दिख जाती है। लेकिन एक बात है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर प्लेसमेंट की कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वो आप जाके अगर या तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने अगर लेने का सोच रहे हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए, अभी मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, एवरेज पैकेज भी बता दिया आपको। तो उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी देख लेते हैं कि हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे लाइफ एट MIT, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंपस के अंदर ही हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट्स वगैरह नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो, या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी सारी एडमिशन क्वेरीज वगैरह है जो वो क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।